नमस्कार, आप देख रहे हैं भक्ति बोध न्यूज। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं प्रयागराज से बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। उन्होंने पहले पवित्र गंगा में डुबकी लगाई और इस वक्त उनके साथ हजारों की संख्या में भक्तजन मौजूद थे और उसके बाद वह पहुँचे जब कथा पंडाल में, तो वहाँ पर लाखों का जनसैलाब था। इस वक्त मीडिया के काफ़ी लोग वहाँ पर थे और भक्तों का भी जनसैलाब था। और वह जब बैठे कथा पंडाल में और उन्होंने कहा कि साधु जी सीताराम सीताराम, तो वहाँ पर जयकारों की गूंज उठी। तो महाराज जी फिलहाल इतने पॉपुलर हो चुके हैं, पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक व्यक्ति उनको जानने लगा है, उनके चमत्कारों को पहचानने लगा है। तो इसी बीच हमारे कुछ हिंदू साधु भी उनके इन चमत्कारों को जादू टोना कहते हैं। तो उनमें से हैं एक शक्तिपुत्र जी महाराज जी भी, वह कहते हैं कि यह सिर्फ जादू टोने हैं और कुछ भी नहीं है, इससे समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। लेकिन बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, तो जो उनके दरबार में पहुंचता है, बजरंगबली की कृपा से वह उनके सभी दुख कष्ट तकलीफ वहाँ पर दूर होते हैं। तो वहाँ पर फायदा होता है, तभी तो लाखों की संख्या में वहाँ पर भक्तजन मौजूद रहते हैं उनकी हर कथा सुनने के लिए। तो शक्तिपुत्र महाराज जी ने एक पंडोखर सरकार, एक पंडोखर महाराज भी हैं, उनके ऊपर भी ऐसा इल्ज़ाम लगाया है कि वह ढोंगी हैं और भक्तों को वह लूटते हैं। तो वह पिछले दिनों काफ़ी विवाद चला था। फिलहाल आपके कोई विचार हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो क्लिप को आप देखें, बागेश्वर धाम सरकार क्या कहते हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की, सो हो गए तुलसीदास। बागेश्वर धाम की, पूज्य पाद जगत गुरु महाराज जी की, पूज्य श्री सतुआ बाबा की, सब संतन की, गौ माता की, बागेश्वर धाम की, तीर्थराज प्रयाग की, अपने अपने मताई बाप की, बागेश्वर धाम के पागलों की। कैसे हो साधु जी? साधु जी अच्छा कैसे हो? बढ़िया हो? संगम में स्नान किया? जय हो पागलो। आप वर्तमान में जितने नारे लगा रहे ना, अब वर्तमान में जरूरत है जो राम के नहीं उनकी ठटली मारो। जय भारत हिंदू राष्ट्र हो, भारत हिंदू। अभी हम पूज्य महाराज जी के जब वहां निवास पर थे तब अचानक एक दोहा स्मरण आया था, वो दोहरा रहे। तीन बनावत देश को संत सती अरुसूर, तीन मिटावत देश को कायर कपटी क्रूर। मेरे पागलों, अपनी जिंदगी में एक बात याद रखना, जो सत्य को जानकर मौन बैठे वो नंबर एक का कायर है। अब घर के अंदर बैठने की आवश्यकता नहीं है, हाथ में माला और बगल में भाला लेकर के सनातन। हमारे भारत की शान हमेशा से ऋषि परंपरा रही है। शिकागो के धर्म सम्मेलन में जब स्वामी विवेकानंद जी पहुंचे और उन्होंने सुन पर उद्बोधन दिया, तो समूचे लोग जितने वहां विराजमान थे सब भारतीय परंपरा के प्रति नतमस्तक हो गए। रात्रि काल में वहां की जब एक देवी जी आती हैं, वो कहती महाराज हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए, और पूज्य स्वामी विवेकानंद जी के बातों को सुनकर आपका हृदय गदगद हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा, देवी अगर हमारे जैसा पुत्र चाहिए, अगर मैं संसर्ग करूं तो जरूरी नहीं पुत्र हो, जरूरी नहीं मेरे जैसा हो, एक काम करो, आज से तुम मेरी माँ हो, मैं
मैं तुम्हारा बेटा। ये परंपरा केवल भारत के संतों में ही प्राप्त हो सकती है। इसलिए मेरे पागलों, भारत विश्व गुरु इसीलिए है कि तीर्थराज प्रयाग में आने वाले लाखों संत